जैसा भी रहे सब चीज़ साइड में रख के मैं फोकस करता हूँ अपने काम पे, और जो मुझे जानते हैं ये चीज़ जानते हैं, क्योंकि इतना खूबसूरत ये किरदार है श्री कृष्ण का। मैं इवेंचुअली सीखा हंसते हंसते अपनी ज़िंदगी में अपने प्रॉब्लम से मिलना, सब चीज़ों से मिलना, और मुझे बहुत अच्छा फील होता है, बहुत लकी फील होता है आज के डेट में कि मैं ये चीज़ कर पाया। अभी वो मौका नहीं मिलेगा उस चीज़ का थोड़ा बुरा लगता है, और मुझे ऐसा, देखिए मुझे लगता है कि जो हमारे हाथ में नहीं है वो कृष्ण के हाथ में है, और अगर हम अपने हाथ में जो है वो करें तो कृष्ण वो करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। तो बस वही अभी देखते हैं जिंदगी में आगे जो लिखा है, जो लोग लिखे हैं, जो एक्सपीरियंसेस लिखे हैं, उन्हें बस हंसते हंसते मैं फेस करना चाहता हूँ। और मलिका तुम्हारे लिए एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए मैं जानता हूँ कि राधा कृष्ण का ये सफ़र आसान नहीं रहा, क्योंकि सडनली एट सच यंग एज एक्सपोजर मिलना, इतना काम करना, और मैं जानता हूँ इट हैज़ नॉट बीन ईजी, बट यू ऑलवेज बीन द बेस्ट फाइटर आई हैव सीन, एंड आई जस्ट होप कि जिंदगी में जहाँ भी आप आगे जाओ, चमको, बस जहाँ से मैं देखूँ मुझे दिखना चाहिए। चलो ठीक थैंक यू। बड़ी बात कह दी। जी हाँ, नहीं कुछ नहीं, तो मैं यही बोलूंगी कि आई एम फॉलिंग आउट ऑफ वर्ड्स, आई डोंट नो व्हाट टू से एग्जैक्टली, बट मैं यही चाहती हूँ कि आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ो। बहुत आपने नाम कमाया अभी तक, आपने बहुत मेहनत की है सुमित, एंड मुझे पता है आप आगे भी करते रहोगे। बहुत हार्ड वर्किंग हो एंड मैं एडमायर हिम, एंड आई आई डोंट नो, मेरे को थैंक यू।